Hello student, good morning all of you. Now we start chemistry. और कल मैंने आपको एल्केन स्टार्ट किया था, तो यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन. तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में जो पहले सबसे पहले बताया था मैंने, फ्रॉम अनसेचुरेटेड अब इसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाना क्योंकि इसमें ज्यादा लर्निंग वाला भी होगा. फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम यहां लेते हैं ठीक है. अब यहां पर मान लो कोई अगर हाइड्रोकार्बन लिया हमने, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर, या किसी भी टाइप का अगर हाइड्रोकार्बन अगर लेते हो आप, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर या आर डैश एनी टाइप, और कैटलिस्ट इसका हाइड्रोजिनेशन आप कराते हो, हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट कौन सा होगा, या तो निकेल होगा या तो प्लेटिनम होगा या तो प्लेटिनम होगा या रेनके निकेल होगा. क्या होगा? रेनके निकेल. तो प्लेटिनम प्लेटिनम और प्लेटिनम पीडी पीटी और एनआई, और एक होगा रेनके निकेल. कल मैं इसके बारे में बताया था आपको कि एक शॉर्ट. तो यहां से ये एल्कीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्कीन जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है. सेम टू सेम अगर हम बात करें हाइड्रोजिनेशन का, कैटलिस्ट लेंगे तो ये एल्केन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्केन एल्काइन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा. रेन के लिखे कंप्लीट लिखता है, रेन निकेल कंप्लीट लिखेगा, वो सिंबल नहीं होगा, कंप्लीट लिखेगा वो कंप्लीट लिखेगा ठीक है. तो यहां से एल्कीन एल्कीन और एल्काइन एल्कीन और एल्काइन एल्कीन और एल्काइन को हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, या हाइड्रोजिनेशन मतलब यहां से लिख लेना हाइड्रोजन ऐड करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करना. जैसे ये होता है, ये प्लेटिनम का प्लेट होता है, इस प्लेट पे ये निकेल का प्लेट होगा या प्लेटिनम का प्लेट होगा या प्लेटिनम का प्लेट होगा. ये मेटल के प्लेट होते हैं. अब ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. यहाँ हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है. मैं तुम्हें सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन होता है, याद होगा सरफेस केमिस्ट्री में बताया था एब्जॉर्प्शन. तो यहां पर हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. तो ये जो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद अब इस पे ये जो एल्कीन है और एल्काइन को लाया जाता है. यहां पे जब लाया जाता है तो ये हाइड्रोजन यहां से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है. तो ये एक पाई बॉन्ड टूटता है और ये हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड था. तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो यहां से यहां ये भी लिख लेना कि पाई बॉन्ड टूटता है और यहां पर हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. तो एक पाई बॉन्ड का टूटना, एक पाई बॉन्ड का टूटना, दो सिग्मा बॉन्ड का बनना, दो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक यहां और एक यहां. तो अच्छा है ना कि एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है,
तो स्टेबिलिटी आती है इसमें, ठीक है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होता है, वीक होने की वजह से ये टूट जाता है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है, वीक बॉन्ड टूट जाता है और स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन को इस प्लेट के ऊपर लाया जाता है जहां पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होता है, ये H2 है, हाइड्रोजन गैस है, ये आते समय इसका बॉन्ड टूट भी जाता है, सिंगल सिंगल भी हो जाता है, ये एब्जॉर्प्शन में मैं समझाया था, ये केमिकल केमो एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन दोनों समझाया था इसी एग्जाम्पल लेके। अब जाकर रिवाइज करना, वहां पे देखना एब्जॉर्प्शन में, सरफेस केमिस्ट्री में जो ये एब्जॉर्प्शन हुआ है तो इसमें केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, बराबर है। तो एल्कीन और एल्काइन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन कराया जाता है। तो ये सब शॉर्ट नोट्स में लिखोगे आप, फिर एल्केन में कन्वर्ट हो, क्योंकि इसमें दोनों फेज हो जाएगा, एक लर्निंग वाला फेज हो जाएगा, एक समझने वाला हो जाएगा और एक मैकेनिज्म वाला हो जाएगा। तो जहां मैकेनिज्म वाला होगा वहां मैकेनिज्म वाला बताएंगे, बरोबर है क्या। यहाँ पर सिंपल सा हाइड्रोजिनेशन एब्जॉर्ब होता है और ये जाके ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल में, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पाई बॉन्ड टूटता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजिनेशन। अब एक चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और बताया भी था, यहां ध्यान देना, ये जो हमने बताया था हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये मैंने GOC1 में डिस्कस किया था। अब यहां पाई बॉन्ड का टूटना और दो सिग्मा बॉन्ड का बनना, तो मान लो पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, मान के एग्जांपल लेके चलते हैं, 10 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ और सिग्मा बॉन्ड बना, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, क्योंकि बॉन्ड जब बनता है तो ज्यादा रिलीज होता है, तो मान के चलते हैं -50 किलो जूल रिलीज हो गया। तो 10 किलो जूल हमने दिया इसको तोड़ने में, जब ये एब्जॉर्ब हुआ और सिग्मा बॉन्ड बना तो -50 किलो जूल एब्जॉर्ब हुआ है, सॉरी -50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ है। तो यहां से यहां आने के लिए कुल मिला के हमने क्या किया, कुल मिला के हमने डेल्टा, सॉरी ये 10 किलो जूल हमने एनर्जी दिया और यहां पर 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गया, तो ये -40 किलो जूल, 40 किलो जूल ये एनर्जी एक्सोथर्मिक दिखा रहा है, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। कोई पूछेगा कि एक्सोथर्मिक क्यों होगा, उसका रीजन ये है कि सिग्मा बॉन्ड का टूटना, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होना, सॉरी पाई बॉन्ड का ब्रेक होना और सिग्मा बॉन्ड का बनना, यहां हो रहा है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो बॉन्ड बनने से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन से एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो ये मान लेते हैं एक्सोथर्मिक का डेटा -50 है, अब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होगा तो एंडोथर्मिक होगा, तो यहां से यहां जाने में ये दोनों का सम होना चाहिए, तो दोनों का सम एक्सोथर्मिक आता है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, यानी यहां से यहां जाने में हमें हीट निकलता है, एक्सोथर्मिक होता है। अब पूछा जाता है कितना को किसका ज्यादा है किसका कम है, कंपेयर करवाओ, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मैंने आपसे बता दिया था कि यहां एनर्जी हमने लिया था, जितना ज्यादा अनस्टेबल हो, क्योंकि सबको बनना यही है, इसको भी यही बनना, इसको भी यही बनना है, बराबर है क्या, तो सबको सिंगल बॉन्ड में ही कन्वर्ट करना है, तो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा और ये स्टेबल होगा, तो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही डेल्टा ई क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का एक ही लाइन में आंसर है, मोर अनस्टेबल मोर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, मोर हाइड्रोजी मोर हीट ऑफ हाइड्रोजिने सॉरी मोर अनस्टेबल मोर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, लिख लेना इसको, जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही ज्यादा हीट रिलीज करेगा। अब पूछो क्यों, तो अगर स्टेबल होगा तो उसमें एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा, स्टेबल होगा तो एनर्जी क्या होगा, कम, और सबको बनना है क्या, एल्केन ही बनना है, डबल बॉन्ड को तोड़ के
सिंगल बॉन्ड बनना है, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनना है। अगर वो स्टेबल है तो ये एनर्जी यहां से यहां आएगा, क्योंकि इसमें और स्टेबिलिटी आएगी तो ये डेल्टा ई का वैल्यू कम होगा, जबकि इसमें डेल्टा ई का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। अनस्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगा। जितना अनस्टेबल से ये स्टेबल वाला पार्ट है, ये मोस्ट स्टेबल वाला पार्ट है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को बता रहा है। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड का बनना स्टेबल को बता रहा है, ये बॉन्ड को तोड़ना और तोड़ के ये बनना, ये स्टेबल वाला पार्ट है, सबको यही बनना है। तो अनस्टेबल जितना होगा उतना ही मोस्ट स्टेबल में जब आएगा उतना ही एनर्जी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिलीज होगा। और ये इसीलिए बोला जाता है कि जितना अनस्टेबल होगा, जितना अनस्टेबल होगा उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा तैयार होगा। तो इन सबका एक प्रॉपर नोट्स तैयार करो अच्छे से। अब जैसे इसी पार्ट में हमें क्या क्या सीख लिया कि हमने केवल नाम लिया अनसेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का, लेकिन सीखा बहुत ही एल्किन और एल्काइन से हाइड्रोजिनेशन करवा के इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन हमने लिया, निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम रेने निकेल, ये सब हमने लिया। ये क्यों लिया है, तो ये हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा आगे चिपक जाता है। तुम्हें याद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो SHE बनाया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहां पर प्लेटिनम का प्लेट लगाया जाता है और प्लेटिनम का प्लेट में क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है बहुत जल्दी से। तो ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये क्या होता है, ये प्लेट पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होते, एब्जॉर्ब नहीं होता, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने कि यहाँ हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होते और यहाँ फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। अब ये जब यहां से आते हैं इस प्लेट्स पे आते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके एल्केन में बदल जाते हैं, यानी पाई बॉन्ड का टूटता है और एक दो सिग्मा बॉन्ड का बनता है, यानी यहाँ एनर्जी देना पड़ता है और फिर यह रिलीज होता है, कुल मिला के एक्सोथर्मिक होता है। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। किसका ज्यादा होगा, जो जितना अनस्टेबल होगा उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा। तो ये हमारा रहा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और इसके ऊपर क्वेश्चन। अब मान लो हमें एक दिया है, सेम क्वेश्चन ऐसे दे दिया, एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, मान लो CH3 और यहां पर CH3, एक यहां पर दे दिया सीस, एक सीस दे दिया और यहां पर एक ट्रांस दे दिया, बराबर है, एक सीस दे दिया और एक ट्रांस दे दिया, दोनों फॉर्मूला सेम है, एक सीस और एक ट्रांस है, तो मुझे बताओ एंसर करो ए और बी में किसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा। और ये मैंने सीस और ट्रांस में बताया था अनस्टेबल कैसे देखा जाता है। मुझे बताओ सीस और ट्रांस में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहां ज्यादा होगा, कहां हीट ज्यादा होगा, सीस में होगा, होगा ना, पूछो क्यों। तो ये दोनों ग्रुप एक साइड है, ये दोनों ग्रुप एक साइड है, मान लो डबल बॉन्ड है और ये दोनों ग्रुप एक साइड है, तो इस दोनों ग्रुप में, अब ये ग्रुप बल्की टाइप का है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और ट्रांस में क्या है, दूर दूर है, तो ये रिपल्सन थोड़ा कम हो जाता है, ट्रांस में ये वाला यहां है तो इसलिए रिपल्सन कम हो जाता है, तो रिपल्सन कम हो जाएगा तो ये स्टेबल होगा, दिस वन विल बी स्टेबल और ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा, क्यों, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन या स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक लिखते चलना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू, याद रखना सेल्फ नोट्स ही बनाने में सबसे बेटर रहेगा, खुद ही नोट्स बनाओ अच्छे से एकदम। तो दिस वन इज स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन और दिस वन इज अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक या मोर स्टेरिक रिपल्सन लेस स्टेरिक रिपल्सन। तो इसको भी अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये भी जब इस प्लेट पे आएगा तो डबल से क्या बन जाएगा, सिंगल, और ये भी इस प्लेट पे आएगा तो क्या बन जाएगा, डबल से सिंगल बनेगा, बराबर है, लेकिन ये अलग हीट रिलीज करेगा और ये अलग हीट रिलीज करेगा, तो दोनों को बनना तय यहीं पर है, दोनों का प्रोडक्ट एक ही आएगा, बराबर है क्या, मतलब फॉर्मूला वाइज अगर हम बात करें तो दोनों का प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही आने वाला है, ये यहां टूट जाएगा और यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दोनों प्रोडक्ट यही देंगे, लेकिन ये ये
लेस स्टेबल है, तो मतलब अनस्टेबल है, तो ये यहां होगा और ट्रांस वाला यहां होगा, उसको यहां आना है, इसको यहां आना है, कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, हो गया हमारा, ठीक है। तो इस चीज को समरी वगैरह लिख लेना। और एक चीज और ध्यान देना, जब ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है, जब ये अट्रैक्ट होता है तो सीन एडिशन होता है, मतलब एक तरफ से अट्रैक्ट होता है सीन और एक एंटी होता है, एंटी मतलब अलग अलग, तो सीन मतलब एक ही टाइप से, अगर मान लो ये दोनों अगर आया और ये ऐसे रहा, ठीक है, तो ये अगर आया तो ये हाइड्रोजन गैस जो है इसके ऊपर वो सीन एडिशन देगा, मतलब ये हाइड्रोजन गैस एक ही तरफ चिपक जाएगा, इसको बोलते हैं सीन एडिशन, ये सीन एडिशन हुआ है, लिख लेना इसको सीन एडिशन। अब इसे कहां कहां थोड़ा सा सीन एडिशन का यूज करा सकता है, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया, क्वेश्चन में मान लो हमें ऐसे दिया, अब यहां पर सीन एडिशन कराना होगा, ठीक है, तो यहां पर हमें जब हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे, जब इसके प्लेट पर रखेंगे, जब हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो H प्लस निकल के प्लेट पे या प्लेटिनम के प्लेट पे या प्लेटिनम के प्लेट पे जब हाइड्रोजिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, और दोनों हाइड्रोजन एक साइड होंगे, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड होगा, ठीक है, और ये बिल्कुल आंख से दूर जाता हुआ नजर आएगा, तो ये हाइड्रोजन दोनों आंख से दूर जाता हुआ नजर आएगा, यानी दोनों ये हमारे तरफ होंगे और ये दोनों आंख से दूर जाते हुए दिखेंगे, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो दैट इज नोन एज सीन एडिशन, सीन एडिशन। तो यहां पर इस चीज ध्यान रखना है कि सीन एडिशन मतलब एक ही तरफ से ये, क्योंकि जब जुड़ेंगे दोनों हाइड्रोजन तो एक ही साइड से जुड़ेंगे, जब ये दोनों जुड़ेंगे, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सीस, इसीलिए सीस में हीट क्या लगेगा, ज्यादा, जिसमें अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसमें हीट ज्यादा लगेगा, बराबर है, तो इसमें भी लिख लेना सीन एडिशन होता है, इसके अंदर सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये 3D में जो आइसोमीजम हम पढ़ रहे थे, तो ये सब चीजें आप शॉर्ट नोट्स बना के लिख लेना। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में, सॉरी हाइड्रोजिनेशन में क्या क्या टॉपिक पढ़े हम, कि एक एल्कीन और एल्काइन को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसके, कैसे, हाइड्रोजिनेशन से। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, कैटलिस्ट कौन कौन यूज करते हैं, निकेल प्लेटिनम और प्लेटिनम, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन गैस ज्यादा एक्टिव रहता है, चिपक जाता है बहुत ज्यादा, एडजॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, इसके सरफेस पे आके चिपकता है, ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसका ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम बात करेंगे सीन एडिशन का, तो सीन एडिशन मतलब एक तरफ जाके चिपक जाना, ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का और भी मैंने कई क्वेश्चन करवाया था, मान लो हमें ये क्वेश्चन है ये, और एक क्वेश्चन हमने ये आपका बुक में भी दिया हुआ है, ये हिमांशु पांडे में मिल जाएगा क्वेश्चन, ये वाला ले लेते हैं। अब मुझे बताओ ए बी और सी में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ए बी सी में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या पहचानना है, अनस्टेबल, तो अनस्टेबल कैसे पहचानेंगे, अल्फा एस से, क्योंकि यहां हाइपर कंजुगेशन होगा, तो यहां डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग में कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है, डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग में 3 यहां 2 यहां, यहां 5 अल्फा एच है, 5 अल्फा एच है इसका मतलब, और यहां पर अब हम बात करें तो यहां 2 है, यहां 2 है और यहां पर 2 है, तो यहां पर 6 अल्फा एच है,
अगर हम स्टेबल के बारे में बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेबल कौन होगा? सी, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हाइपर कंजुगेशन यहां ज्यादा होगा। अच्छा, जब हम इसको क्या कराएंगे, हाइड्रोजिनेशन जब करवाएंगे, यानी जब हम डबल बॉन्ड से एल्केन बनाएंगे, जब हाइड्रोजिनेशन करेंगे निकेल के प्लेट पे या प्लेटिनम के प्लेट पे या प्लेटिनम के प्लेट पे, जब हम हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो सबको क्या बनना है, सबको प्रोडक्ट एक ही बनना है, ये वाला, यही सब प्रोडक्ट बनेगा, सब यही बनेगा। तो सबसे अनस्टेबल जिसमें ज्यादा होगा, अनस्टेबल सबसे ज्यादा कौन है, ए, तो एनर्जी के ग्राफ पे ए यहां होगा, बी यहां होगा, सी यहां होगा, क्योंकि जितना अनस्टेबल उतना ही एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्टेबल चीजों में एनर्जी कम होती है, तो हम एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो ए में ज्यादा होगा, बी में कम होगा, सी में और कम होगा। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा होगा, बी में एनर्जी और ये सी में एनर्जी, ये है, ठीक है। तो ए बी सी, ए में एनर्जी यहां है, अब सबको आना कहां है, डी, इसको डी मान लेते हैं, सबको बनना डी है, तो यहां से किसका एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है, डेल्टा ई का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, तो डेल्टा ई का वैल्यू हमें यहां दिख रहा है, इसका मतलब जितना अनस्टेबल होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा लगेगा। और उसमें एनर्जी का अगर हम बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, ए में, बी में और सी में। तो यहां आंसर हो जाएगा ए बी सी, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ए बी और सी में हो जाएगा, बराबर है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा, जितना हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ स्टेबिलिटी डबल बॉन्ड का हम हाइपर कंजुगेशन से चेक करेंगे, लिख लेना, चेक बाय हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन से हम चेक कर रहे हैं। अभी सिस और ट्रांस में जो हम चेक कर रहे थे, देखो सिस और ट्रांस में जो अभी चेक कर रहे थे वहां हाइपर से, यहाँ पर तो खैर नहीं चेक कर पाएंगे हम हाइपर से, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ चेक भी करें तो यहाँ 6 अल्फा एच, और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 6 अल्फा एच। अब इस केस में हम करें तो क्या करें, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, डबल बॉन्ड के रॉन्ग अगर हम चेक करें तो 6 अल्फा एच और यहाँ भी 6 अल्फा एच, तो यहाँ तो हम चेक नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अल्फा एच दोनों में सेम, हाइपर कंजुगेशन होगा इसमें। तो यहां हम साइज के वजह से चेक करेंगे, स्टेरिक रिपल्सन के वजह से चेक करेंगे, इसमें स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होता है और इसमें स्टेरिक रिपल्सन कम होता है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। जो चीज स्टेबल होता है उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होता है, तो ये लेस स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, इसीलिए इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा। तो याद रखना सिस में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होता है, ओके। तो ये सब चीजें आपको पूछा जाएगा, तो इसीलिए सब चीजें जो हम पढ़ के आए हैं जीओसी वो ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है। तो आगे का चीजें जो हम पढ़ना है एल्केन वगैरह, ये सब जो रिएक्शन होगा वो कहीं ना कहीं हमें हर चीज, अब थोड़ा सा लर्निंग फेज भी आएगा जिसमें आपको याद रहना पड़ेगा उस चीज को, सिचुएशन को, जो रिएजेंट है, रिएजेंट के फंक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये रिएजेंट का काम क्या है। मैकेनिज्म हर चीज में नहीं, जहां नेम रिएक्शन वहां मैकेनिज्म चलेगा, लेकिन जहां पर अगर मान लो रिएजेंट का फंक्शन याद करना है, यो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसा काम करता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भी सिखाया था आपको कि ये साइक्लिक भी कंपाउंड अगर होगा, इसका अगर हाइड्रोजिनेशन हम करेंगे, अगर हम इसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं निकेल प्लेटिनम या प्लेटिनम के प्लेट पे, तो ये भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आपको नोट्स में राइट डाउन कर लेना कि साइक्लिक कंपाउंड एक ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन होने के बाद हम सेकेंड आपको बताए थे हेलाइड से रिडक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड किसको बोलते हैं, आर बोले तो एल्काइल या बेंजाइल ग्रुप और एक्स बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही है एल्काइल हेलाइड इसको बोला जाता है। अब इसके रिडक्शन से, तो हमने रिडक्शन आपको अलग अलग सिखाया था, ठीक है। तो आरएक्स, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, आरएक्स से अगर हमने यहां पर जिंक लिया,
ठीक है, जिंक लिया और HCl लेते हैं, या H प्लस ले लो, ये दोनों में से कोई एक एक ही इंडिकेट करेगा, जिंक लेंगे और H प्लस लेंगे, ठीक है। तो अगर यहां पर हम कराते हैं इसका रिडक्शन, तो ये बन जाता है RH, और यहां ये जो X है वो X HX बनता है, HX बनता है। तो यहां से हमें अब इस प्रोसेस में, अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अब हाइड्रोजिनेशन में भी हम मीथेन नहीं बना सकते थे, कहीं हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम तो दो कार्बन होना चाहिए जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो, तो हमें मीथेन का फॉर्मेशन इसमें नहीं मिलेगा, बराबर है क्या? उसमें मीथेन का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मीथेन का फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, तो इसमें CH4 मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस में मीथेन का फॉर्मेशन, ये सब चीजें ऑब्जर्व भी करना है, तो इस प्रोसेस में मीथेन का फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो मैं अगर डायरेक्टली लिखूं CnH2n+1 और यहां X लिख दूं, और यहां जिंक लिख दूं, या एच प्लस लिख दूं, या HCl लिख दूं, ये क्या बन जाएगा? CnH2n+2 बन जाएगा, और यहां HX बन जाएगा, यानी मैं एल्काइल हैलाइड को डायरेक्टली एक ही बार में लिख दिया। दिस वन इज एल्काइल हैलाइड जो इस फॉर्म में होगा, और जिंक और HCl ये कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ZnZn+HCl H+, ठीक है, तो ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और यहाँ हाइड्रोजन का संख्या बढ़ गया है, तो ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। कायरलिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए सीन एडिशन उन्होंने पढ़ाया। अगर वहां पर क्वेश्चन ऐसा देगा कि मान लो मॉलिक्यूल्स डबल बॉन्ड में है और ग्रुप अलग अलग है, तो एक चौथा ग्रुप जब ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, उसके वजह से कायरलिटी आ रहा है, या हाइड्रोजन नहीं लिखे ड्यूटेरियम लिख दे, हम हाइड्रोजन नहीं लिखे हम ड्यूटेरियम लिख दे, जैसे वहां पर H2 था तो ड्यूटेरियम भी तो ले सकते थे, या वहां पर H2 हमने सी डबल बॉन्ड सी, अब यहाँ ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पर सी और सी, यहाँ पर डी और डी जुड़ जाएगा, ड्यूटेरियम जुड़ जाएगा, उस केस में हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर सकते हैं, और सीन होता है, तो ये लास्ट में क्वेश्चन में करवा दूंगा कहाँ पर ये आइसोमेरिज्म से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जीओसी से रिलेट करके ही पूछा जाएगा, जैसे आप ग्रुप पढ़ रहे थे तो बहुत सारी चीजें उससे इंफॉर्मेशन भी था और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड था, तो ये चीजें भी रिएक्शन होगा और जीओसी से रिलेट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हर चीज जीओसी से रिलेट करके ही पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको ये सब इंफॉर्मेशन याद होना चाहिए कि एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाया जाता है, किसका, अब जिंक ZN और HCl का क्या फंक्शन है, उस रिएजेंट का क्या यूज है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें बताया था, ध्यान देना यहाँ पे, नेक्स्ट हमने बताया था RX में अगर हमने रिएक्शन करवाया जिंक में और HCl में, ठीक है, अब RCl है, ठीक है, RBr है और R आयोडीन है, अब यही सेम रिएक्शन है, बराबर है, अब यहां R बना और यहां पर ये Cl बाहर चला गया, उससे लेना देना नहीं है, R बना। अब मुझे ये बताओ कि ए बी और सी में कौन सा, किसका स्पीड ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां से आपसे जीओसी से रिलेट कर दिया क्वेश्चन, अब मान लो रिएक्शन तो आपने पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, जीओसी से, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कौन ए बी सी में किसका स्पीड ज्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन करने का, व्हाट इज रोल ऑफ रेड फास्फोरस इन आयोडीन, वो तो अभी पढ़ाया नहीं ना, पढ़ाएंगे रेड फास्फोरस का, उसका यूज जो होता है वो जो आयोडीन बनता है, आयोडीन उसके साथ चिपक जाता है और वोलेटाइल बन जाता है, तो नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड भागने लगता है, अगर आयोडीन बच गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के बजाय बैकवर्ड भागने लगता है, तो इसलिए रेड फास्फोरस का यूज करते हैं ताकि वो आयोडीन से
रिएक्शन करके और वोलाटाइल कंपाउंड बना के सिस्टम से बाहर चला जाए, अदरवाइज रिएक्शन बैकवर्ड साइड जाने लगता है। तो आगे पढ़ाएंगे, पढ़ाना बाकी है। यहाँ मुझे मैं चीजें रिलेट कर रहा हूँ जियो सीज, तुम जियो सीज पहले वो आगे पढ़ाएंगे हम कि रेड फास्फोरस कैसे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, रेड फास्फोरस क्यों यूज किया जाता है, वो आगे हम बात करेंगे। अब यहां पर बताओ एबीसी में रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है, कौन जल्दी से स्पीड में आएगा, जल्दी से स्पीड रिएक्शन करेगा। अब यहां रिएक्शन करने के पहले वो क्या होगा, सोचो कि ये आर बन गया तो ये रिएक्शन करने के पहले बॉन्ड टूटा होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन लेके गया होगा, तो थोड़े टाइम के लिए ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये तो सिमिलर दिख रहा है ना आपको, यहां पर सीएल माइनस है, बी आर माइनस है, आयोडीन माइनस है, बताओ कौन ज्यादा। अब एक चीज ध्यान रखना, एक ही कंसेप्ट लेके चलेंगे हमेशा, ये इसको छोड़ रहा है, यहां थोड़ा सा उल्टा लगता है हमें, ये इसको छोड़ रहा है, ये अच्छा खासा स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये इसको छोड़ रहा है। अगर छोड़ने के बाद इसमें अगर स्टेबिलिटी फील होगा, छोड़ने के बाद अगर स्टेबिलिटी इसमें, हम इसमें तो कोई कंपेयर करेंगे नहीं, कॉमन है, इस छोड़ने के बाद जो इसमें स्टेबिलिटी फील होगा वो जल्दी से इसको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि छोड़ना तो है ही, उसको बॉन्ड को तो तोड़ना है ही, लेकिन जल्दी कौन तोड़ेगा, तो ये बोलेगा हम तोड़ने के बाद, ये वाला तो कॉमन है, इसके बारे में हम टेंशन लेंगे नहीं, हमें टेंशन लेना है इसके बारे में, ये छोड़ने के बाद इनमें जो स्टेबिलिटी आएगा वो आयोडीन माइनस, बी आर माइनस और क्लोरीन माइनस, ये स्टेबल हो जाता है। क्यों, तो मैंने बताया था जीओसी में साइज ज्यादा होने की वजह से रिपल्सन कम होता है। और एक चीज याद रख लेना, ये गुड लिविंग ग्रुप भी है, गुड लिविंग ग्रुप, तो धीरे धीरे लिखते भी चलो, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि स्टेबल है, साइज की वजह से ये माइनस ज्यादा रिपल्सन नहीं दिखाता है, तो ये अच्छा स्टेबल भी है और गुड लिविंग ग्रुप भी है। इसीलिए एचएफ से अच्छा एसिड कौन है, एचआई, क्योंकि एचआई जो है वो अपना एच प्लस लूज करके आई माइनस जल्दी से स्टेबल बन जाता है, तो एचआई इज ए गुड एसिड, गुड एसिड। HF से भी, HCl से भी अच्छा एसिड है HI, इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। तो टॉप टू बॉटम I बढ़ता है, क्योंकि लूज करने के बाद अपने आप को क्या फील करता है, स्टेबल। तो ये चीज कहीं अंडरलाइन करके लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये इनमें स्टेबल ये है क्योंकि साइज ज्यादा है, रिपल्सन कम होता है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो लिविंग ग्रुप का भी आंसर वही होगा क्योंकि अच्छा स्टेबल है, एक अच्छा एसिड है उसका भी आंसर यही होगा क्योंकि अच्छा एक स्टेबल कंपाउंड बन, छोड़ने के बाद स्टेबिलिटी है, मतलब स्टेबिलिटी आ नहीं रही है, इनके कंपेयर में स्टेबल ज्यादा है, इसीलिए जल्दी से रिलीज करना चाहेगा। और यहां ये जो छोड़ के जा रहा है तो यहां पर इसका रोल क्या है, इसका रोल लिविंग ग्रुप का, लिविंग ग्रुप ही है, यहां बोलेंगे, यहां पर इसको लिविंग ग्रुप बोलेंगे क्योंकि ये इसको छोड़ के जा रहा है, इसको हम लिविंग ग्रुप के नाम से ही जानेंगे। तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये छोड़ने के बाद आयोडीन माइनस इज मोर स्टेबल देन सीएल माइनस। एक अच्छा एसिड क्यों है, क्योंकि छोड़ने के बाद आयोडीन माइनस जो बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जीएसी घुस गया है। तो आयोडीन माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो ये जल्दी छोड़ेगा तो ये इस फील्ड में, यहां युद्ध करना, इसको यहां पर इसको फाइटिंग करने, तो इस युद्ध में जल्दी कौन आएगा, तो ये आएगा, क्योंकि छोड़ना तो सबको है, ये ध्यान रखना, ऐसे सोचना है कि छोड़ना तो सबको है लेकिन जल्दी कौन छोड़ देगा, ये, क्योंकि छोड़ने के बाद ये खुद क्या फील कर रहा है, स्टेबल फील कर रहा है, तो जल्दी से रिलीज कर देगा, बोलेगा हमें छोड़ने के बाद भी मुझे में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी है इनके कंपेयर में, इसलिए हम जल्दी इसको छोड़ देंगे। तो ये जल्दी से इस फील्ड में आ जाएगा लड़ने, और जब लड़ने आएगा तो ये तुरंत हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, HR प्लस क्या बन जाएगा, ER बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी सबसे पहले कौन आया, ये आया रिएक्शन करने, इसीलिए सी इज मोर रिएक्टिव देन बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो यहां पर आपसे एल्काइल हैलाइड में रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पूछ लेगा जो कि जीओसी से रिलेटेड है, इसका आंसर हो जाएगा बी सी बी ए। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जीओसी से रिलेट करेगा वो चीजें आपको, और वो चीजें वहां से आपको रिलेट करना है, आइसोमिजम से रिलेट कर देगा ये। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आएंगे अभी बात पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये सब पार्ट है किसका, जीओसी का, लेकिन हम यहां पर से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है,
अब यहां ध्यान देना, अगर मान लो एल्काइल हैलाइड सेम है, आरएक्स सेम है, अब एक क्वेश्चन में आरएक्स ऐसा दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में आरएक्स ऐसा है, एक क्वेश्चन में आरएक्स ऐसा है, बराबर है, और एक क्वेश्चन में आरएक्स ऐसा है। अब मुझे बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर, मैं एच नहीं लिखा हूं, ये आरएक्स है, ए बी सी में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ किसका ज्यादा होगा, पूछ लेगा आपसे, और ये जीओसी से रिलेटेड है, ए बी सी में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा ए बी सी में, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर करवा देगा तो, ए बी सी में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। अब देखो ये एक्स छोड़ के चला गया, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, ये इसको छोड़ के चला गया, सॉरी ये आर नहीं है, एक्स है, वो एक्स है, आर नहीं है, एक्स है, तो ये इसको छोड़ के चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये इसको छोड़ के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहां एक्स क्या है, कॉमन है, तो यहां हमारा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हेलोजन नहीं है, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं वो नहीं चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि सब में कॉमन था, बराबर है ना, सब डिफरेंट, एक कॉमन होगा, या तो ये कॉमन होगा या तो ये कॉमन होगा। तुम लोगों को मैं आयनिक में सिखाया था कि NaCl, KCl, RBCl में आयनिक चेक करना था, या तो केटाइन कॉमन होगा तो एनाइन कॉमन होगा, उसी तरह इसमें भी या तो ये वाला पार्ट कॉमन होगा या तो ये हेलोजन वाला पार्ट कॉमन होगा या एल्काइल वाला पार्ट कॉमन होगा। अब यहाँ पर ये पार्ट कॉमन है तो उसके बारे में हम अब डिस्कशन ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर ये कौन स्टेबल है। अब यहां इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ये जो प्लस बना है, अब जब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म से यहां आया है, अपने ओरिजिनल फॉर्म से यहां आया है, यानी कि हैलोजन को रिड्यूस किया है, अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टेबल ए है क्योंकि इसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर यहां रेजोनेंस, यहां हाइपर है या प्लस आई है, तो यहां रेजोनेंस हो रहा है और यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, और यहां हाइपर बोल दो या क्या बोल दो, प्लस आई बोल दो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो ए इज मोर स्टेबल देन बी इज मोर स्टेबल देन सी। समझ में आया, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस पूरे यहां से यहां हो रहा है और ये रेजोनेंस यहां से यहां हो रहा है और ये हाइपर है, तो ये रेजोनेंस और रेजोनेंस में ज्यादा रेजोनेंस यहां हो रहा है, यानी इस प्लस का स्टेबिलाईजेशन यहां ज्यादा मिल रहा है, तो स्टेबिलिटी मिल गया। अब स्टेबिलिटी मिला तो रिएक्शन करने कौन जल्दी पहुंचेगा, अब तुम बोलोगे सर ये तो स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों करेगा, नहीं, सबसे पहले उस मैदान में उस फील्ड में कौन कूदा है रिएक्शन करने के लिए, यहां से यहां रास्ता तय कौन किया है, यहां से यहां रास्ता इसने ये तय किया, यहां का स्टेबिलिटी ये डिसाइड नहीं करता है कि स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं करेगा, वो ये डिसाइड, हम ये बोल रहे हैं कि जल्दी कौन जाएगा इस यहां रिएक्शन करने, जल्दी उस मैदान में कौन जल्दी कूद जाएगा रिएक्शन करने, क्योंकि यहां से इसको यहां कहां जाना है, उसको यहां से यहां लड़ने जाना है, तो लड़ने कौन पहले जा रहा है, तो ये पहले जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, हम बोल ये बोलेगा कि हम जल्दी चले जाएंगे क्योंकि इसको छोड़ने के बाद हमें ज्यादा अनस्टेबल फील नहीं हो रहा है, इसलिए हम जल्दी से हैलोजन को हटाना चाहते हैं। तो यहां से यहां रास्ता तय जल्दी कौन किया, वही जो तय करेगा वही रिएक्शन में जल्दी से फटाफट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब मान लो बाउंड्री लाइन है यहाँ पे, जो जल्दी यहां आएगा वही तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो किसी को छोड़ के आना है यहाँ पे, तो छोड़ के आना है तो जो छोड़ने के बाद स्टेबल फील करेगा वही ना यहाँ आएगा, छोड़ने के बाद अगर स्टेबल फील नहीं करेगा तो क्यों आएगा, तो ये छोड़ने के बाद जो स्टेबल होगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये मत दिमाग लगा सर स्टेबल चीज तो रिएक्शन में रिएक्टिव कैसे हो गया, नहीं, यहां से यहां रास्ता तय करना जल्दी तय किया, इसलिए जल्दी से उस मैदान में लड़ने सबसे पहले यही चला गया था, इसीलिए अब जल्दी ये जैसे ही आएगा यहां से H- जल्दी से अटैक मार देगा यहां,
तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है, बस ये इंतजार करता है कि कौन पहले आ जाए, तो पहले वही आएगा जो स्टेबल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसमें कंफ्यूजिंग होता है कि स्टेबिलिटी में हम कैसे चेक करते हैं रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी में जो स्टेबल वही रिएक्टिव ज्यादा है, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होगा, एबीसी होगा। अब ये बहुत अजीब सी बात है कि हम स्टेबिलिटी में रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक कर रहे हैं कि जो ज्यादा स्टेबल हो ज्यादा रिएक्टिव, ये कैसे हो सकता। नहीं, स्टेबल कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से यहां रास्ता जल्दी इसने तय किया है। स्टेबल का मतलब ये कौन उस मैदान में जल्दी जा रहा है लड़ने, ये लड़ने जल्दी जाएगा। इस चीज को, कंसेप्ट को आप लिख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर एल्काइल है, बेंजाइल है, 1 degree, 2 degree, 3 degree है, तो हमें ये चीजें देखना पड़ता है रिजोनेंस के थ्रू, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं इसमें जीओसी क्या हो गया, इंक्लूड हो गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं जीओसी आपको इंक्लूड हो गया। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, रिएक्टिविटी ऑर्डर, लिविंग ग्रुप है, तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप धीरे धीरे याद करते चलो। एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन माइनस। उस और भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो अलग से हम पढ़ाएंगे जीओसी टू में, जब हम रिएक्शन में के नियम पढ़ाएंगे तो वो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो भी सब पढ़ाएंगे कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप और कौन होता है। लेकिन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन में आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पर कौन जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो स्टेबिलिटी गेन करेगा यहाँ पे, मतलब एसिड वाला में कैसे चेक करते थे, हाइड्रोजन को हटा के तब चेक करते थे। तो यहां पर इसको हटा के जो स्टेबल बनेगा वो जल्दी रास्ता तय करेगा, वो जल्दी दौड़ के जाएगा रिएक्शन करने। जो स्टेबल होगा वही रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये सब चीजें जीओसी से जुड़ता जा रहा है, तो ये सब चीजें ही आपसे पूछा जाएगा। तो हमने रिडक्शन पढ़ा किसके थ्रू, आरएक्स के थ्रू, एल्काइल हैलाइड में, और हमने इसमें चीजें देखा कि कैसे ये जीओसी से जुड़ रहा है, ठीक है। तो कल वाला ये चीजें मैं तुम्हें रिवाइज ही करा रहा हूं, तो उसमें और डेप्थ चला जा रहा है कि कैसे जीओसी से वो, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाओगे तो सब चीजें मिलेंगे, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड हमने बता दिया था, अब नेक्स्ट हमें रिडक्शन बताना था, रिडक्शन विथ एल्काइल हैलाइड किससे, एल आई ए एल एच फोर, एन ए बी एच फोर और पी एच होल थ्राइस एस एन एच, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, एल एच एस बी एच, और इसको टीपीएच, एच बी एच और पीएच, ये हम शॉर्ट में इसका नाम लिखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये माइल्ड होता है, ये माइल्ड होता है, और माइल्ड होता है, अच्छा खासा वाकिफ हो गए। और ये क्या होता है, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस और एच आई, ये स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये बहुत ही सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव जगह पे यूज किया जाता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग में आता है, ठीक है। तो ये हम कल आपको टीच, हमने कल टीच भी किया था टीचिंग, ये इसमें आपको याद ये रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये 1 degree और 2 degree क्या, एल्काइल हैलाइड, 1 degree एल्काइल हैलाइड, यहां पर 1 degree एल्काइल हैलाइड और 2 degree एल्काइल हैलाइड, ये 1 degree एल्काइल हैलाइड 2 degree एल्काइल हैलाइड, अगर हम यहां पर एल ए एच लिखेंगे तो ये एल्केन में बदल देगा, ये किसमें बदल देगा, ये रिड्यूस करके हाइड्रोजन हटा देगा, एक्स हटा के और एल्केन में बदल देगा, बराबर है क्या, ये बदल देगा एल्केन में। लेकिन 3 degree को ये बदल देगा एल्कीन में, ठीक है। तो यहां से एक डबल बॉन्ड बन जाता है एल्कीन, यहां इलिमिनेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो हम बात बाद में करेंगे इलिमिनेशन का, क्योंकि उसके बारे में हम जानते नहीं है। तो एल्कीन, तो यहां से एल्कीन बनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्ग, और ये भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 degree is more reactive, अभी भी पढ़ाया 3 degree 2 degree और 1 degree 3 degree more reactive, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये चीजें याद रखना है। तो समराइज करके कैसे लिखोगे, तो समराइज करके ऐसे लिखोगे कि ये जो होता है, समरी भी लिखना आपको नोटबुक पे, ये एल आई एल एच फोर 1 degree और 2 degree को 2 degree RX को किसमें बदल देता है, एल्केन में बदल देता है, लेकिन 3 degree RX को किसमें बदल देता है, एल्कीन में बदल देता है। ये चीजें आपको नोटबुक में इतना लिखना होना चाहिए,
SBH 1 डिग्री RX के साथ नो रिएक्शन क्यों नहीं देता है, क्योंकि 1 डिग्री एक तो रिएक्टिव कम होता है और ये माइल्ड है, ये क्या है माइल्ड है, ठीक है, तो ये माइल्ड होने के वजह से ये ज्यादा रिएक्शन नहीं देगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री RX को किस में बदल देगा, एल्केन में। 2 डिग्री और 3 डिग्री को किस में बदल देगा, एल्केन में, बराबर है। तो दिस वन ये, लेकिन 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं देगा, तो इसमें 3 डिग्री वाला, तो 3 डिग्री को एल्केन में बदलना है तो किसको यूज करना पड़ेगा, SBH को। 3 डिग्री को एल्केन में बदलना है तो LH को यूज नहीं करना पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि 3 डिग्री को अगर एल्केन में बदलना है तो इसको यूज करे कि इसको यूज करे, तो अगर हमें 3 डिग्री को, 3 डिग्री RX को एल्केन में बदलना है तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा, यहां दे देगा रिएजेंट, यहां रिएजेंट कौन ले, हम यहां रिएजेंट कौन ले, SBH ले कि LH ले, तो हमारा आंसर होगा SBH लेना पड़ेगा, बराबर है क्या। तो ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक 3 डिग्री को एल्केन में बदलना है तो आपको रिएजेंट कौन यूज करना पड़ेगा, SBH या LH, तो हम बोलेंगे SBH, क्योंकि LH एल्कीन में नहीं, एल्केन में नहीं कन्वर्ट करता, एल्कीन में करता। वहीं अगर क्वेश्चन होता एल्कीन में कौन कन्वर्ट करेगा तो हमारा आंसर हो जाता LH। तो ये सब चीजें आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना पड़ेगा। ये जो है TPH, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री RX को किसमें बदल देता है, एल्केन में बदल देता है, ठीक है। इसके बारे में अभी बात करना बाकी है, तो ये सब समरी में आपको लिखना पड़ेगा, बराबर है क्या। तो समरी बना के उसको राइट डाउन करो, ठीक है। चलो, तो हमने तीसरा भी पढ़ा दिया आपको, LH, SBH और PH3 TPH। तो LH, SBH का यही समरी है, ये आपको जानना पड़ेगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे रिएजेंट पूछ लेगा कि कौन सा रिएजेंट यूज करे, कब इसको यूज करे, कब इसको यूज करे, कब इसको यूज करे, ठीक है। 3 डिग्री में अगर करना है तो इसको भी यूज कर सकते हो और इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन 3 डिग्री में को एल्केन में कन्वर्ट करना है तो इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये दोनों होगा तो दोनों आंसर हो जाएगा। अब हम आज देखेंगे रेड फास्फोरस का, तो अभी स्टार्ट कर दे रहा हूं, तो कुछ अभी एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जल्दी से प्रोडक्ट बनाना मेरे को, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ मेरे को, क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट क्या बनेगा। SBH दिया गया है, तो यहां क्या होगा प्रोडक्ट, यहां लिखेंगे नो रिएक्शन, क्योंकि ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं देता SBH। ये क्या बनेगा, इसको हटाएगा और सिंपल सा ये बन जाएगा। इसमें क्या होगा, ये 3 डिग्री के साथ रिएक्शन देता है, ये क्लोरीन है, Cl है। दिस वन इज 3 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री और दिस वन इज 1 डिग्री। 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX और 3 डिग्री RX है ना, ये सॉरी ऊपर क्लोरीन लिखा है मैंने, यहां क्या लग जाएगा हाइड्रोजन, बॉन्ड को तोड़ेगा वहां पर क्या लग जाएगा हाइड्रोजन लग जाएगा। ये 1 डिग्री RX है, ये 2 डिग्री RX है और ये 3 डिग्री RX है। जब SBH यूज करेंगे तो 1 डिग्री को नो रिएक्शन, 2 डिग्री को ये जो RX है उसको तोड़ के क्या बन जाएगा, वहां हाइड्रोजन लग जाएगा। ये जो 3 डिग्री है उसको तोड़ के क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। पहले से एक CH3 है यहाँ पे, तो ये आपको रिएक्शन को ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, तो ये सब हमने आपको बता दिया था और ये सब बता दिया कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कैसे GOC से रिलेट हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ रिएक्शन, एक अच्छा लिविंग ग्रुप कैसे हम मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं रेड फास्फोरस पे, अब कि रेड फास्फोरस का हम यूज कहाँ करते हैं। तो एक्चुअली में जो रेड फास्फोरस का यूज होता है, रेड फास्फोरस को रिड्यूसिंग में हम यूज करते हैं, जहां कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, इनका हम वहां यूज किया जाता है। तो ध्यान दो, रेड फास्फोरस का हम यूज कहाँ करेंगे, तो रेड फास्फोरस का यूज जो हम करते हैं अल्कोहल में करते हैं,
एल्डिहाइड में करेंगे, कीटोन में करेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक में भी करते हैं, कार्बोक्सिलिक में भी करते हैं। अब ध्यान दो, अलग से मैं इसको हालांकि पढ़ाऊंगा रेड फास्फोरस को, हमने अगर एल्डिहाइड लिया या कीटोन ले लिया, अगर हमने कीटोन ले लिया और यहां पर रेड फास्फोरस यूज करते हैं, रेड फास्फोरस यहां हमने यूज किया और यहां पर हमने एच आई यूज करते हैं, एच आई, और यहां थोड़ा सा हीटिंग करते हैं, ये हमें रिडक्शन ऐसे दिया जाता है, रेड फास्फोरस, एच आई और हीटिंग हमने कर दिया, तो ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये जो है रिड्यूसिंग है। अब इसमें ये बात अलग है कि रेड फास्फोरस हम यूज क्यों करते हैं, लेकिन पहले हम इस रिएजेंट का फंक्शन जाने कि फंक्शन क्या होता है। तो रेड फास्फोरस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रांग है, ये क्या करता है, इसके मुंडी को काटता है, ये इसके मुंडी है, तो ये चुपचाप इसके, हमें इसका मैकेनिज्म के पीछे नहीं भागना है, इसके मुंडी को काट देना है बस। तो याद रखना कि हमने क्या बोला था, इसके मुंडी को काट देना है, ये इसके लिए मुंडी है और मुंडी को कट कर देना है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो एल्डिहाइड हो और ये कीटोन लिया हमने, अगर मैं एल्डिहाइड भी लूं और रेड फास्फोरस अगर लूं तो इसका मुंडी को कट कर देना है और बन जाएगा CH3CH3। तो कहीं पर भी हो उसकी मुंडी को कट कर देना। अगर कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक है तो ये कार्बोक्सिलिक को डायरेक्ट रिड्यूस करके, अब मैं तुम्हें एक आगे बताऊंगा, क्या बताएंगे, एल्डिहाइड को, अल्कोहल को, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में बदला जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन में, तो हम आगे बात करेंगे। और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके, इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में बदला जाता है, इसके बारे में हम इसीलिए अलग से बात करेंगे जीओसी पार्ट टू में। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में बदला जाता है या कीटोन में, और इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में बदला जाता है, उल्टा इसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड में बदला जाता है, एल्डिहाइड में बदला जाता है, सॉरी, इसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड में बदला जाता है, और इसको रिड्यूस करके किसमें बदला जाता है, अल्कोहल में बदला जाता है, ठीक है। हालांकि यहां रेड फास्फोरस जो है मुंडी काटने का काम करेगा एल्डिहाइड और कीटोन में, लेकिन कार्बोक्सिलिक में वही रेड फास्फोरस, कार्बोक्सिलिक में रेड फास्फोरस जब हम यूज करेंगे तो स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब दो स्टेप में लेके जाएगा, एल्डिहाइड में नहीं लाके छोड़ेगा, वो लाके डायरेक्ट अल्कोहल पे छोड़ेगा। तो यहां पर कितने कार्बन दिख रहा है, दो, तो CH3CH यहां हो जाएगा 3, अल्कोहल से भी उसमें कन्वर्ट करके कहां लेके चला आएगा, वो आपको वहां से CO2 गैस वगैरह निकाल देगा और वहां पर बन जाएगा आपका यहां CH3C और ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो इसको अलग से लिखना है, हालांकि इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर यहां पर ROH है और हमने ये यूज किया रेड फास्फोरस वाला, तो ये RH में बदल जाता है, तो अल्कोहल इज कन्वर्टेड इंटू एल्केन, कीटोन इज कन्वर्टेड इंटू एल्केन, एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इंटू एल्केन एंड कार्बोक्सिलिक इज कन्वर्टेड इंटू एल्केन। ये पहला पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है, और ये पार्ट जो हमने लिखवाया ये पार्ट हम अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसका हम अलग एक सेक्शन ही बनाए हैं। तो अल्कोहल से अगर हमें एल्केन बनाना है तो रेड फास्फोरस यूज करना पड़ेगा, अगर मुंडी काटना है एल्डिहाइड का या कीटोन का तो रेड फास्फोरस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक से हमें एल्केन बनाना है तो रेड फास्फोरस यूज करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि रेड फास्फोरस क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम उसके बारे में बात करेंगे। तो लेकिन ये सब रिएक्शन का आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, सब सारे चीजें लिखो कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ये इसका फंक्शन क्या है, रेड फास्फोरस का फंक्शन क्या है, रेड फास्फोरस काम क्या करता है,
कहां मुंडी काटेगा, कहां क्या करेगा, बहुत काम करता है अभी ये, तो मैं अभी बहुत कम काम बताया हूँ। बहुत ज्यादा अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक को एल्केन में बदलेगा, सॉरी अल्कोहल को एल्केन में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक को एल्केन में बदलेगा, ये सब इसका काम है। ये सब काम याद रखना पड़ेगा, ये नहीं कि हर चीज सर ये कैसे हो गया, ये मैकेनिज्म क्या है, तो कहीं पर हमें डायरेक्ट चीजें ज्यादा याद रखना पड़ता है। तो यही ऑर्गेनिक लर्निंग वाला फेज है। लॉजिकल फेज वहां थोड़ा कम हो जाता है, लर्निंग वाला फेज की इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, थोड़ा लर्निंग वाला होता है। हाँ, लेकिन इसमें जीव से जरूर आएगा, तो दोनों मिल के अब जहां रिएक्शन होगा दोनों मिल के होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल। अगर हम RX एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड में रेड फॉस्फोरस और HI और हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, RH बनेगा। ठीक है, अब यहां से कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि यहां पर HI भी आ जाएगा, यहां पर कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि रेड फास्फोरस यूज क्यों किया जाता है, RX को यानी एल्काइल हैलाइड को एल्केन में बदलने के लिए रेड फास्फोरस यूज क्यों किया जाता है। तो उसका आंसर ये है कि यहां पर क्या बनता है, जब ये रिएक्शन बनता है तो ये H प्लस अलग हो जाएगा, आयोडीन माइनस अलग हो जाता है ये, तो जब यहां से रिएक्शन करेगा तो ये I माइनस I2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये RX के साथ फिर रिएक्शन करके कहां चला जाएगा, बैकवर्ड में चला जाएगा। प्रोडक्ट ये बना और एक प्रोडक्ट ये बना, तो हम अगर बात करें इक्विलिब्रियम का, तो प्रोडक्ट में ये भी बना और प्रोडक्ट में भी बना, अगर रेड फास्फोरस यूज नहीं किया तो हमने, तो प्रोडक्ट में भी बना, प्रोडक्ट में भी बना, फिर से टकराएगा, कोलिजन होगा और ये RI में फिर से बन जाएगा, RX फिर से बन जाएगा, यानी रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा। तो अगर हम रिएक्शन में फास्फोरस यूज नहीं करे, फास्फोरस यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं हो जाएगा होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने के लिए अब हम यहाँ रेड फास्फोरस का यूज करते हैं, ताकि ये जो आयोडीन बनता है, ये आयोडीन इसके साथ रिएक्शन करके वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है, और ये वोलेटाइल कंपाउंड बना के सिस्टम से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड में जाने के लिए रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। तो इसको लिख लो, रिएक्शन कहीं बैकवर्ड ना आ जाए तो इसको लिखो आप, रेड फास्फोरस इज यूज्ड टू रिमूव, रेड फास्फोरस इज यूज्ड टू रिमूव एच, रेड फास्फोरस इज यूज्ड टू रिमूव आयोडीन, टू रिमूव आयोडीन, रेड फास्फोरस इज यूज्ड टू रिमूव आयोडीन एज ए वोलेटाइल सब्सटेंस, एज ए वोलेटाइल मतलब जो वेपर बन के बाहर लेके चला जाए, वोलेटाइल सब्सटेंस, एज ए वोलेटाइल सब्सटेंस, एज ए वोलेटाइल सब्सटेंस, एज ए वोलेटाइल सब्सटेंस PI3, ये PI3 बनाता है, एज ए वोलेटाइल सब्सटेंस PI3, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया, अगर हम रेड फास्फोरस यूज नहीं करते तो यहां आयोडीन बनता RX, और अगर HI यूज करते तो ये अलग तो हो जाता, RX बन तो जाता, लेकिन यहां पर आयोडीन बनता, और आयोडीन फिर से इसके साथ रिएक्शन करके कहां चला जाता, बैकवर्ड। इस बैकवर्ड को बचाने के लिए हम रेड फास्फोरस का यूज करते हैं, रेड फास्फोरस यूज करने से क्या होगा, ये फास्फोरस जो है इस आयोडीन के साथ रिएक्शन करके PI3 बन के वोलेटाइल बन के सिस्टम से बाहर चला जाता है, तो बैकवर्ड जाने से बच जाता है, यानी फॉरवर्ड हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, इसलिए रेड फास्फोरस का हम यूज करते हैं। तो कुल मिला के आज का समरी क्या लिखोगे, एल्काइल हैलाइड को, एल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक को, सबको अगर हमें एल्केन में बदलना है, एल्काइल हैलाइड हो या अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या करता है, मुंडी काटने का काम करता है, यहां से ये मुंडी काटेगा इसका, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर हम वहां रेड फास्फोरस यूज करेंगे तो रेड फास्फोरस
अगर हम प्लस एच आई यूज कर ले और हीटिंग कर दे तो ये मुंडी काटने का काम करेगा, बस एक ही लाइन याद रखना, मुंडी काट देगा इसका, और जैसा है वैसा ही लिख देना है सी सी। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट पूछ दिया हमें कि इसका प्रोडक्ट बताओ, ऐसे मान लो हमें लिख दिया क्वेश्चन में कि ये हमारे को दे दिया और ऐसे लिख दिया और बोला यहाँ रेड फास्फोरस और एच आई लिख के हीटिंग दे दिया, इसका प्रोडक्ट बताओ, आपको चुपचाप इसका मुंडी काट देना है। ये साइक्लिक कीटो नहीं है तो इसका मुंडी काट के ये बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन बन जाता है, ठीक है। तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन में मुंडी काटने आना चाहिए और जितना है उतना ही लिख देना है, तो ये चीज डायरेक्ट याद रखना है, बरोबर है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में मुंडी काटने का काम करता है कार्बोक्सिलिक में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक में। कार्बोक्सिलिक में ये क्या करेगा, यहां से जैसे मान लो ये है कार्बोक्सिलिक है, सी डबल बॉन्ड ओ और OH है, तो ये पार्ट को ये रिमूव कर देगा, इस पार्ट को ये रिमूव कर देगा और ये CH3 में कन्वर्ट कर देगा, ये CO2 वाला पार्ट को रिमूव कर देगा। एल्काइल हैलाइड में क्या करेगा, RX में कन्वर्ट कर देगा। मान लो ये है क्वेश्चन, ये मान लो ये क्वेश्चन है, ये X है, एल्काइल हैलाइड है, और यहां हमने यूज किया, यहां पर मान लो चलो X ही लेते हैं, रेड फास्फोरस है और यहां आयोडीन है और यहां हीटिंग है, ये किस में हो जाएगा, ये साइक्लो हेक्जेन बन जाएगा, ठीक है। केवल इसका यहां से हाइड्रोजन एक हट जाएगा और उसके जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो रेड फास्फोरस यहां मुंडी काटने का काम किया। अगर मान लो ये है, अगर यहां पर हमने रेड फास्फोरस यूज किया तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा, इसका प्रोडक्ट ये होगा, इसका प्रोडक्ट ये मुंडी काटने का काम करेगा, ये इसका मुंडी काट देगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में मुंडी काटने का काम करता है, कार्बोक्सिलिक में ये पार्ट को उड़ा देगा, ठीक है। अल्कोहल में ये एल्डिहाइड में सॉरी एल्केन में कन्वर्ट करता है और एल्काइल में इसमें कन्वर्ट करता है, ओके। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको टीच करते हैं, ओके, थैंक्स टू ऑल।